हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज हम यहाँ पे एक बार एक नया प्रैक्टिस पेपर, ये है हमारा रागा का प्रैक्टिस पेपर 12। आई होप आप 11 प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कर लिए होगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे 12 प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है गाइज, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसी लेवल का पेपर आपका वाई ग्रुप का या SSR के लिए आता है। ठीक है, उसमें SSR में कंप्लीट तो नहीं आता ये सब, लेकिन इतने जो टॉपिक मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये सभी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन कहता है कि 1000, ठीक है, इसका 15% आपको निकालना है और 15% का भी 1/5 निकालना है। कि 15% कैसे निकालेंगे, 15/100 इनटू आप इसका 1/5 निकाल लीजिए, यानी कि इस इक्वेशन को आप सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए, 2 0 से मैं 2 0 हटा देता हूँ, इस 5 से 3 टाइम चला जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 10 × 3 = 30 हो जाएगा, उसके आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। ओके गाइस, उसके बाद है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त कर 192 वोटों के अंतर से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या थी। तो देखिए, एक अगर जीतने वाले कैंडिडेट को 58% प्राप्त हुए तो हारने वाला जो कैंडिडेट होगा उसे 42% प्राप्त हुए होंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, क्योंकि वोटों का अंतर क्या होगा, उसके परसेंटेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालता हूँ, 8 - 2 आपके पास 6 हो जाता है, 5 - 4 आपके पास 1 हो जाता है, यानी कि 16% आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि 16% किसके बराबर है, 192 के बराबर है, और कहता है कि कुल वोट कितने, यानी कि 100% आपसे निकलवा रहा है। तो 100% कैसे निकालेंगे, 192/16×100। ठीक है, जैसे आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास कितने टाइम, 12 टाइम चला जाएगा, 16×12 192 होता है, इसे 100 से करेंगे तो आपके पास में 1200 यानी कि 1200 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 23 और x, इसका जो एवरेज है आपका 40 है, तो x का मान क्या होगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, यानी कि इसको ऐड कर दीजिए और उन संख्याओं का डिवाइड करिए, कितनी संख्या है, 3 है तो 3 से डिवाइड, और ये एवरेज आपको दे रखा है 40 के बराबर। ठीक है, इसे इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 120 हो जाएगा, और इस दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 314 हो जाएगा, 2 1 आपके पास कितना हो गया, 34, यानी कि आपके पास में इसको क्या कर लीजिए, इस तरफ आप इसे कर दीजिए डिवाइड, तो इस तरफ इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे आप यहाँ पे 120 - 34, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 120 - 34, तो ये हो जाएगा आपके पास में 86। तो जो एक्स का मान आ गया आपके पास कितना आ गया, 86 आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 86। ओके गाइज, उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है, एक नाव धारा की दिशा में 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है, ठीक है, तो वापस 1 घंटे में आ जाती है, तो नाव की चाल क्या है। तो देखिए, दो स्पीड होती है नाव के लिए, आपकी एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम, जब धारा की दिशा में जाती है तो डाउन स्ट्रीम, जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 40 मिनट में 8 किलोमीटर जा रही है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं इसकी, कौन सी, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि वो धारा की दिशा में जा रही है, तो ये स्पीड आपके पास में हो जाएगी, जहाँ पे कि दूरी बराबर क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी आपको 8 किलोमीटर दे रखी है, इस टाइम आपके पास में कितना है, 40 मिनट का, लेकिन ये किलोमीटर में है तो पर आवर में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर आपकी इसके स्पीड कौन सी होगी, डाउन स्ट्रीम। अब आप स्ट्रीम निकालेंगे, कहता है कि 1 घंटे में वापस आ जाती है, तो यहाँ पे आपको कितनी स्पीड दे रखी है, 8 किलोमीटर की दूरी उसे जाना होता है, तो 1 घंटे में आ जाता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 8 किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 1 घंटे का है तो 8 किलोमीटर, यानी कि अप स्ट्रीम कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है कि डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, और अप स्ट्रीम होता है बोट माइनस रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि बोट प्लस रिवर इज इक्वल टू 12 है, और बोट माइनस रिवर आपके पास में कितनी है, 8 है, क्योंकि ये आपके पास कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, इसे आप सोल्व कीजिए, ये आर से आर खत्म, फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b = 8 + 12 यानी कि 20, 20/2 करेंगे तो बोट की स्पीड कितनी आएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछ रहा था कि नाव की चाल कितनी है, तो अगर आपसे वो दूसरी वाली पूछता, कौन सी वाली, की आपकी धारा की चाल कितनी है, यानी कि नदी की चाल कितनी है, तो आपके पास कितनी आ जाती है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आई होप गाइज आप सभी को टरी का समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास में कहता है कि यदि कोई एक वस्तु 8,500 रुपये में खरीदता और 8,000 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि अगर 8,500 में खरीदेगा, 8,000 में बेचेगा, तो वो आपके पास में लॉस होगा। तो यहाँ पे इनका दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना है, 500 रुपये का, और कितने पे, 8,500 पे इंटू 100, तो इतने का उसे क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे आप इसे सोल्व कीजिए, इन 2 जीरो से आप इसे क्या कीजिए, 2 जीरो हटा दीजिए। कहने का मतलब है आपके पास में 500 बटा कितना हो जाएगा, 85। 500 इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100, और ये आपके पास 17। कहने का मतलब है कि आपके पास में लास्ट इक्वेशन आएगी 100/17। इसे सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 5 टाइम चले जाएगा 85। 85 के बाद में आपके पास 15 बच गया, 15/7। इस प्रकार से आपसे ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये क्या है, आपका लॉस है। ओके गाइस, उसके बाद है आपके पास में, इनको सोल्व कीजिए आपको, और यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा, तो देखिए एक्चुअल में वहाँ पे हो क्या रहा है, 15 × 4 हो रहा है, तो ये कितना होता है 16, और 12 × 5 होता है तो ये भी 16 आता है। उसी प्रकार 3 × 14 42 होता है, 7 × 6 ये भी 42 होता है। तो इन दोनों का जो क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 13 × 6 करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 78, और 26 × 3 करेंगे तो ये भी आपके पास 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका पास हो जाएगा 78। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कहता है कि एक सर्कल आपको दिया गया है, इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, चारों में अंक लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि थ्री, आप थ्री से सभी को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि थ्री के सभी मल्टीपल है, इसे थ्री से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे कितना आएगा, 7, और यहाँ पे 9, कि 5, 7, 9, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3, और 3 से सबको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 9, आपके पास यही आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कहता है कि जिस प्रकार से हाथ के लिए कोहनी होती है, तो टांग के लिए क्या होगा, तो हाथ में कोहनी होती है तो टांग में क्या होता है, घुटना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, उसके बाद है यदि डॉक्टर के लिए मरीज है, तो वकील के लिए क्या होगा, डॉक्टर के लिए मरीज है, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, मरीज का इलाज करता है, तो वकील क्या करेगा, मोक्किल होता है वकील के लिए, ना कि मुजलिम। मोक्किल किसे बोलते हैं, जो उसका क्लाइंट होता है उसे बोलते हैं। मुजलिम के लिए तो आप पुलिस बोल सकते हैं, क्योंकि मुजलिम के लिए वकील करते तो हैं, लेकिन वो उसे मोक्किल बोलते हैं उस वक्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके गाइज, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, कि इनमें से आपको क्या करना है, बेमेल को बताना है कि आँख, कान, नाक और दिल, तो ये क्या होते हैं, आपके सभी फेस पे होते हैं, उसके बाद ये हार्ट आपका चेस्ट पे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत, तो ये सभी क्या है, उनके प्रोफेशन काम है, तो उनको उस इस नाम से जाना जाता है, और ये इसका क्या है काम, हजामत, नाई बनाता है तो उसे हजामत बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आप। उसके बाद यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इनकी फ्लोर को आपको इस प्रकार से कोड करता है, तो ब्रश को किस प्रकार से कोड करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले एफ से क्या हो रहा है, एच हो रहा है, क्योंकि +2 हो गया, क्योंकि F6 पे होता है, H8 पे होता है, L12 पे होता है, N14 यानी फिर +2 हुआ, O15 होता है, Q17 होता है तो फिर +2 हुआ, R क्या होता है आपका 18 पे, T20 तो +2 + +2 हो रहा है, A से C यानी कि फिर +2 हो गया, तो यहाँ पे भी +2 करेंगे, तो B से क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, ठीक है D आ गया। उसके बाद R18 तो T होना चाहिए, क्योंकि 20 होता है T पे, U21 तो 33 होना चाहिए, इनकी W होना चाहिए। अब एक बार चेक करते हैं, DTW तो इसी ऑप्शन में आ रहा है, इसमें किसी में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपको हो जाएगा, आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद है यदि 19 जुलाई तारीख को मंगलवार है, तो उसी वर्ष 15 अगस्त को क्या होगा। तो देखिए जब भी आपका फरवरी से बाद की पूछी जाए, तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जुलाई आपका 31 डेज होते हैं, तो 19 उसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि 19 डेज आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो 11 - 9 करेंगे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 12, ये 12 डे तो आपके किसके बचे हुए हैं, बचे हैं जुलाई के, जुलाई के, और 15 डे आपके कितने हो गए इसके, अगस्त के, इन दोनों को ऐड कीजिए आप, 5, 2, 7 और 1, 2, यानी कि 27 डेज का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, तारीखों के बीच में। तो 27 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन आ जाते हैं, अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो बाकी दिन हट जाएंगे, 6 आपके पास में क्या बच जाता है, शेषफल बच जाता है। ठीक है, 27 में आप ये 7 करता हूँ, 3 टाइम पूरा चला जाता है, 21 21 माइनस आपके पास में यहाँ पे करेंगे तो कितना बच जाता है, 6 बच जाता है, जो पूरा पूरा नहीं जाता है। अगर 6 बच गया तो यहाँ पे
क्या हो रहा है, फर्स्ट को क्या है, यहाँ पे मंगलवार आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सिक्स इसमें प्लस करते जाइए, तो यहाँ पे प्लस सिक्स करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मंडे आ जाएगा, सोमवार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है ए बी सी डी और ई आपस में मित्र हैं, ए बी से छोटा है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए जो है बी से छोटा है और ई से लंबा है, तो ई को यहाँ पे लिख लीजिए। कहता है सी सबसे लंबा है, तो सी को सबसे ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद कहता है कि डी बी से छोटा है, तो डी है जो बी से छोटा है, ठीक है, डी बी से छोटा है, तो बी से छोटा डी तो यहाँ पे आएगा, और ए से थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो अभी भी कौन सा ई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके पास में क्वेश्चन है, भारत में गोरखुर वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं, इनकी जिसे जंगली गधा भी बोलते हैं, तो ये आपके पास में गुजरात में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। उसके बाद आपके पास में कहता है कि सन 1983 में प्रोडिशियल विश्व कप विजेता जीतने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम को भारतीय टीम ने हराया था, तो उसका कप्तान कौन था, वेस्ट इंडीज़ टीम का जो कप्तान था वो आपके पास में क्या हो जाएगा, क्लाइव लाइड, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास में हो जाएगा। 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम वेस्ट इंडीज़ का जो कैप्टन था वो था क्लाइव लाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक लेखक कौन है, तो यह है यान मार्टेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है भारत में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दिए हैं, तो हो जाएगा यूपी, ठीक है। उसके बाद है सन 78 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुए शक संवत के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके पास में हो जाएगा कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उस समय शक संवत को ख़त्म किया था विक्रमादित्य ने, उसके बाद में विक्रम संवत लगाया था। तो उसके बाद है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो वो है मोहिनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन था, तो वो था उस्ताद ईसा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये आपके पास में चिंतरंज, चिंतरंज चेन्नई में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसमें क्या होता है कि खाने के डिब्बे बनाए जाते हैं जो रेल के लिए ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, रेल में जो यात्री करते हैं उन्हें खाने के डिब्बे देने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति है कि ये बनाना है, तो पहले आपको पैटर्न समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास सर्कल दिया गया है, तो नेक्स्ट में देखो तो मैं सर्कल यहाँ आ गया, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ आया, तो ये ट्राइंगल यहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ये क्रॉस था, ये क्रॉस ऊपर चला गया, यानी कि इस तरफ से चल रहा है, यानी कि अब सिर्फ एक आगे खिसक रहा है, तो इस आकृति से हम आगे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए, तो इन दोनों आकृतियों में यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही आकृति में, तो फर्स्ट में ही देखिए आपको यहाँ से इसे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ये आना चाहिए, तो ये फर्स्ट में मिल गया, तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपके पास में ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें आगे यहाँ पे आपको दिखेगा, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखें सबसे पहले यहाँ पे आकृति बन रही है कि कुछ इस प्रकार की आकृति थी, उसके बाद ये डंबल पूरे हो गए, उसके बाद ये डंबल होने के बाद यहाँ पे दो और नई चीज़ें जुड़ गई, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दे देता हूँ, देखिए यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार से था, यहाँ पे एक और दो सेम चीज़ें यहाँ पे और ऐड हो गई, तो आगे और क्या हो ऐड होना चाहिए, तो देखिए क्वेश्चन में आंसर आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हुई हैं और वो क्या है, सेम होनी चाहिए, तो दोनों यहाँ पे देखिए दो डॉट यहाँ पे आंखें लगा दी हैं इसकी, तो ये सेम है, यहाँ पे एक चीज़ है तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे तीन है तो ये डिफरेंट, यहाँ पे दो है लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट जोड़ी गई हैं इससे, तो यहाँ पे देखिए एक तो ये डॉट लगा दिया, एक ये मुँह लगा दिया, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दो चीज़ें जुड़ रही हैं और समान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपको बेमेल बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा बेमेल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक क्या है आपके पास में, स्क्वायर है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आप छोड़िए ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जितने भी मैक्सिमम विकर्ण है ये बना दिए इसने, ठीक है। उसके बाद इसमें ट्राइंगल में भी आपने इसे माध्यिका थी ये सब बना दिए, इस स्क्वायर में भी यहाँ पे बना दिया, लेकिन इसमें देखिए आप सर्कल में यहाँ पे इसने क्या किया, एक दो तीन खींच दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंट हो जाएगा एक दो और तीन, यहाँ पे बाकी देख सकते हैं, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, लेकिन इस सर्कल में और ज़्यादा खींच सकते हैं, क्योंकि सर्कल के अनलिमिटेड विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके।
उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, कुछ डिफरेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सभी में क्या है, इस प्रकार से आकृति है लेकिन इसमें क्रॉस लगा रखा है, तो ये सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में ये एक डायरेक्शन विपरीत है, इसमें भी विपरीत है, इसमें भी विपरीत है, या सेम डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर आज का। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए यार इस वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सोन।